मैरिनेट एड्रियन, एड्रियन जल्दी कार में बैठो, मुझे तुम्हारे दोस्त की बात नहीं माननी चाहिए थी। ये शहर बहुत खतरनाक है। डूड नहीं, रुक जाओ, मुझे जाना होगा। I'm sorry, मैरिनेट, मुझे यहाँ रोकने के लिए कितना लड़ी। तुम जैसे दोस्त के साथ कुछ देर और यहाँ फंसे रहने में मुझे कोई एतराज नहीं था। That सही थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हो क्या गया है मैरिनेट? वो इंतजार कर रहा था कि तुम उसे रुकने के लिए कहो। क्या? पर उसने फैसला कर लिया था। तुम क्या चाहती थी? मैं क्या करती? मैं क्या चाहती हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रियन तुम्हारा क्या है, एक दोस्त या दोस्त से बढ़कर? खुद से ईमानदार होने का यही अच्छा मौका है मैरिनेट। तुम क्या चाहती हो, वो चला जाए या यही रुक जाए? एड्रियन रुको, मैं तुम्हारे को तो खो ही चुकी हूँ, एड्रियन को नहीं खो सकती। नहीं, तुम्हारा सीट नंबर क्या है? बेबी 32B। हे वाओ, यानी तुम मेरे बाजू में बैठोगी। ऑसम मैरिनेट, जाओ जाकर बैठो अपने फ्रेंड के साथ और दोनों साथ मिलकर फ्लाइट का खूब मजा लेना, क्योंकि फ्लाइट लंबी है। क्यों नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, मेरा मतलब अपने फ्रेंड के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। वो एक फ्रेंड है, सिर्फ एक फ्रेंड, सिर्फ एक फ्रेंड है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी है ना? मैं बस एक मिनट, मैं हेल्प करता हूँ। सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? अच्छी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीट की वजह से ऐसा होगा, ये गर्म करने वाली सीट है ना? ओह, बहुत ही गर्म है। नहीं, ये रेगुलर सीट है, पर तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। आ जाओ। बचाओ आलिया, मैं उसके पास नहीं बैठ सकती, मुझे उसकी सिर्फ फ्रेंड बनने के लिए और ट्रेनिंग चाहिए। प्लेन से उतरने में अभी वक्त है, क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी है, ऑफ कोर्स पेरिस के बाद। न्यूयॉर्क मतलब सुंदर सफेद घोड़ों के साथ कैरेज राइड्स, गोद में डॉग्स और किटन्स, और सेंट्रल पार्क पर ढलते सूरज का नजारा, लिबर्टी आइलैंड जाती हुई फैमिली। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। क्या हो रहा है? ऐसे है, बेहतर होगा उसे हम प्लेन के सेंटर में बिठाएं। सवाल ही नहीं उठता, हर स्टूडेंट उसे दी गई सीट पर ही बैठेगा। मिस बूस्टी होती तो जरूर इजाजत दे देती। प्लीज मिस मेंडेलिव, ये प्लेन है, क्लासरूम नहीं। ठीक है, चलो तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ मैरिनेट। तो फिर बाद में मिलते हैं। एक से दस के स्केल पर आप उड़ान के डर को कितना रेट करेंगे? अपनी पसंद का रिलैक्सेशन लेवल चुनिए। आप एक डॉल्फिन है, एक शान से सागर में लहरों पर उछलते हुए। हम टेक ऑफ करने वाले हैं, प्लीज अपनी ट्रे ऊपर उठाएं और सीट बेल्ट बांध लें। Sorry guys, मेरे पास तुम चारों के लिए सिर्फ दो ही हॉट डॉग्स बचे हैं। कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं एक लेंगे, तुम दोनों दूसरा ले लो। दोस्तों के बीच ये तुम खा लो एड्रियन, मेरी तरफ से, दोस्ती के नाते। नहीं, तुम खाओ मैरिनेट। अरे बहस छोड़ो, दोनों आधा आधा खा लो ना। आ, 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 आ,
आखिरकार बच्चा बड़ा हो रहा है। तुमने सही कहा था, ये वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे नहीं, उन दोनों के साथ मामला इतना आसान नहीं है। हे, तुम गिटार बजाती हो, चलो तुम उनकी मदद करो। तुम्हें ये गाना आता है? हे, इसी गाने पर हमने क्लोई की बर्थडे पार्टी में डांस किया था। तो हो जाए? आखिरकार स्कूल में छुट्टियां हो गई, अब मजा आने वाला था। हम स्विमिंग करने जाने वाले थे, फिल्म देखने वाले थे, म्यूजियम जाने वाले थे, वॉक्स पे जाने वाले थे, और हमने तो एक बड़ी पॉटलक पिकनिक का भी प्लान बनाया था। और इस बार एड्रियन भी आने वाला था, उसके डैड ने परमिशन दे दी थी, और इस तरह छुट्टियों की सही शुरुआत हो चुकी थी मेरी और कैट नोआर के लिए भी। हमारे सामने कुछ मिशन आए जरूर, लेकिन कोई अकॉमोडाइज विलन नहीं आया। लगा जैसे हॉक मौत भी छुट्टियाँ मनाने गया है। हम सब मजे कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हॉकमौत के लिए छुट्टियों का क्या मतलब है। बेसिकली हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, और फिर अचानक गड़बड़ होने लगी। सॉरी मैरिनेट, पर आज मैं बेकरी छोड़कर नहीं जा सकती, और ये पार्सल अगर आज नहीं भेजा गया तो अंकल वैंग को उनके बर्थडे पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैं ये कर देती हूँ। थैंक्स स्वीटी। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी आलिया। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। तुम्हें पता है तुम्हें मेरे लिए किसके बगल में सीट रखनी है? मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। क्या? मुझे क्या पता होना चाहिए? एड्रियन शंघाई गया है। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मुझे एड्रियन के बारे में सब पता होता है। मुझे उसके 5 नाम पता है, किस दिन कौन सा नाम होता है, उसके साल भर का शेड्यूल, उसके जूते का नंबर भी। उसके बारे में अगर कुछ भी हो तो वो मुझे पता होता है। वेल, उसे खुद को भी नहीं पता था। उसने मीनू को बताया कि उसके डैड की शंघाई वाली शॉप की ओपनिंग डेट अचानक बदल दी गई।